वंदे त्रिभुवन राष्ट्रम में जहाँ बजरंग दली और एबीवीपी एक्टिविस्ट खुद मर गए थे वाइल मेकिंग बॉम्ब बॉम्ब का विस्फोट हुआ था वो ऑल ओवर द न्यूज़पेपर तो व्हाट हूज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज वर बॉम्ब और जहाँ वो भी वर्दी मिली थी कि फॉल्स बियर्ड्स एंड स्कल कैप वर आल्सो फाउंड इन द रेड्स दैट मीन पीपल हु आर ड्रेसिंग एज मुस्लिम्स एंड गोइंग एंड प्लांटिंग बॉम्ब एनी अदर क्वेश्चन मेरा जवाब बहुत पहला है उस समय भी आपने सवाल किया था और हमने स्पष्ट कहा था कि जो भी आतंकवाद की घटना में हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए प्रज्ञा के खिलाफ मध्यप्रदेश की सरकार भी कार्रवाई कर रही है हमने कभी नहीं छुपाया उसको स्पष्ट रूप से कहा लेकिन अगर कहीं एक दो घटना कुछ लोगों ने की गैर जिम्मेवार लोगों ने तो संघ वो फैक्ट्री है संघ की फैक्ट्री है क्या मतलब है इसका बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो कई आतंकवादी घटनाओं में जुड़े हुए हैं इस तरह की गैर जिम्मेवार ओछी बातें नहीं करनी चाहिए ये हमारा खाली कहना था जिस तरह का रिएक्शन आपने अभी दिग्विजय सिंह के बयान पे दिया है तो क्या ये समझ सकते हैं कि कल मध्य प्रदेश में जिस तरह उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए गए उनको घेरा गया क्या आप बाकी जगहों पे भी दिग्विजय सिंह के साथ इस तरह का प्रोटेस्ट या बर्ताव होगा देखिए ऐसा है कि ये अपना प्रदेश के कार्यकर्ता या मोर्चा के कार्यकर्ता तय करेंगे लेकिन अगर कोई नेता देश की अखंडता को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार है ये तो लोकतंत्र का पाठ है आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ काले झंडे दिखाए जाते थे होते थे राजीव गांधी के खिलाफ हुआ करते थे लोकतंत्र में हमारे कई मुख्यमंत्री के खिलाफ होते हैं तो अपने आप में बड़ा विषय नहीं है लेकिन बड़ा विषय यह है कि एक व्यक्ति जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा है वो थप्पड़ मारे Fair enough, if Mr. Asima is involved, he should be subjected to a fair trial, and if there is evidence against him, the law will take its own course. मुझे इस पहले में यह कहना है कि वो लोग 10 साल से सत्ता में हैं और इस बीच में मुंबई में कई आतंकवादी घटनाएं हो गई हैं 26/11 की हुई है लोकल ट्रेन की हुई है और उनको 10 साल लगा ये समझने में कि हमारे पास गृह विभाग नहीं है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे दोनों साथ हैं पावर में दिल्ली में भी हैं और वहाँ भी हैं ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदारना वक्तव्य है ये हम कहना चाहेंगे आतंकवाद में सरकार को एक साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना फ्रीडम देने की आवश्यकता है वो देना चाहिए हाँ मजुमदार जी ये सवाल मजुमदार जी सिर्फ राम प्रधान कमेटी का ही नहीं है 26/11 की घटना के बाद जितनी भी आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी वो आज कहाँ है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड अभी तक क्यों नहीं बन सका नेशनल काउंटर टेररिज्म एजेंसीज का क्या हाल है ये कई चीज़ें आती हैं आपने देखा कि जो मोटर लॉन्च लाए गए थे वो डूबे हुए थे उलट करके उनके लिए कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो हम ये कहना चाहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो इनको जितना ईमानदारी से और प्रामाणिकता से आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत करने के लिए कार्रवाई की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाई है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इफेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेरर यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं में बहुत नीचे है देखिए जहाँ तक मुझे मालूम है इसमें कार्रवाई चल रही है और बाकी मैं तथ्यों की जानकारी करके आपको बताऊंगा अगर उनकी संलिप्तता है तो कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए
आपने कहा दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के पास आए, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी का अभियान अतिरेक है? मैंने आपको उसका बिल्कुल बैकग्राउंड दिया। सोनिया गांधी कहती हैं प्रवक्ता के अलावे कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी वो बोलते हैं। नंबर एक, कांग्रेस पार्टी उस पूरे टिप्पणी को ओनअप करती है। नंबर दो, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद देश में सबसे अधिक खतरा है, वही भाषा ये बोलते हैं। और आज जब देश को एक होने की आवश्यकता है तो बोल रहे हैं और पूरे एजेंडा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपके उनके कारण बताए हैं, उन कारणों के आधार पर हम ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब जीएसटी के बारे में वो कमेटी जो, चूंकि सुशील मोदी एक वरिष्ठ देश के वित्त मंत्री हैं प्रदेश के, तो आज उनका छठा साल जा रहा है फिनेंस मिनिस्टर के रूप में, तो जो अनुशंसा होगी। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, जीएसटी के बारे में हमने स्पष्ट कहा था कि जीएसटी की चर्चा होनी चाहिए और जो राज्यों की चिंता है उसका भी विचार होना चाहिए। ये चिंता बताना इसलिए ज़रूरी है कि यूपीए सरकार ने विशेष रूप से गैर यूपीए राज्य सरकारों के साथ इतना विभेद किया है कि आज ये चिंता बहुत गंभीर हो गई है। अभी अभी आता हूँ। I cannot give any comment on a speculative report or hypothetical. Let the report comes. Yes. सरकार के तीन नंबरी हैं नीति समर्थन। इन्होंने कहा था कि भगवा आतंकवाद की बात नहीं। गाइड तौर पर गृह मंत्री के तौर पर कोई तथ्य होगा, कुछ तथ्य होगा। और राहुल जी के दो नंबरी हैं दिग्विजय सिंह, उन्हीं के बारे में बोलो। अगर ये तथ्यों के आधार पर ही दिग्विजय सिंह की बोल तो जो जी नंबर में जो ऐसा है, तथ्यों के आधार पर बोलेंगे कि आप सबूत के आधार पर बोलेंगे, अनुसंधान की बिना पर बोलेंगे? हमने पहले भी कहा था और आज भी हम दोबारा दोहराना चाहेंगे कि आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता, क्योंकि सरहद के पार से पाकिस्तान आईएसआई की एक बहुत बड़ी कोशिश है कि हिंदुस्तान को आतंकवाद के माध्यम से कमज़ोर किया जाए, और उनके जो फिनेंशियल कैपिटल मुंबई है इसलिए बार बार हमले होते हैं। और आपने देखा कि दिग्विजय सिंह देश के गुणी गृहमंत्री भगवा आतंकवाद के चिंताओं से इतने ग्रस्त हैं कि उनके मुँह से सच्चाई निकल गई कि देश के सारे शहर वल्नरेबल हैं। तो हमने जो सवाल पहले उठाया था कि अगर पूरा हिंदुस्तान खतरे में है तो गृह मंत्री जी आपकी कुर्सी को सुरक्षित है। वी आर आउट ऑफ पावर फॉर 7 years, वी आर ऑल राइट, यस, द रिप्लाई इज वेरी सिंपल। ड्यूरिंग द एनडीए रिजीम द टेररिस्ट एंड देयर पेट्रंस न्यू दैट इफ वी विल डू समथिंग वी विल बी किल्ड and security forces will have the complete freedom to take action regardless of any compulsions of vote bank politics. How many models were destroyed, we know it. How POTA was there, we knew it. How POTA was approved by the Supreme Court, we knew it. Therefore, the security forces were not fighting terrorism with their hand tied behind. Ek minute. देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमने साधारण रूप से मांग की थी कि अफजल गुरु को फांसी पड़नी चाहिए, लेकिन अफजल गुरु के फांसी को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से इतने वर्ष रोकने के कारण ये आतंकवादियों और उनके आकाओं को एक संदेश बार बार जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से हमारे खिलाफ ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। द टेररिस्ट एंड द पेट्रंस नो, देयर पेट्रंस नो that India will not impose a heavy cost on them if we unleash terror. That is the hard reality. Sir, Anna Hazare ne kaha hai ki jo sarkar ki taraf se lagatar bayan aa rahe hain ki andolan ko khatra hai, iske liye Supreme Court aur PIR ka sahayog hai. Aapko lagta hai ki andolan karne ke liye Supreme Court ki sahayog lena zaruri hai? Ab kisi ko bhi PIL karne ka adhikar hai, is par main tippal. Sarkar aur jo Congress ke netaon ki taraf se bayan aa rahe hain, uske baad nahi, ek minute. Is desh mein kisi ko bhi kisi court mein koi case file karne ka adhikar hai. Ab is केस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है उसके बाद हम बोल पाएंगे। वेल, एज फॉर द बीजेपी इज कंसर्न, वी हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन स्टेट ऑफ गोरखालैंड, यू नो दैट। बट एज फार एज
the details of this whole agreement are concerned, once we come to know about it, we'll react on that. जी मेरे ख्याल नीनिया जी आपका यह सवाल ठीक नहीं है। आप यह आप ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे हमारा सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, ये बिल्कुल आपके इस आरोप को मैं बिल्कुल दरकिनार करता हूँ। अफजल गुरु भारत के संसद के ऊपर मास्टरमाइंड था हमले पर, वो भारत के संसद के ऊपर हमला एक छोटी आतंकवाद की घटना नहीं थी। मैं उस दिन संसद में था, अगर एक आतंकवादी संसद के अंदर घुस गया होता तो सारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स मारे जाते। और आपकी जानकारी के लिए संसद में बहुत से माइनॉरिटी के भी मेंबर्स हैं, हम उसको देश के ऊपर हमले के रूप में देखते हैं। जहां तक आपने बात कही सीक्वेंसिंग की, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल, प्लीज जस्ट अ मिनट। जहां तक आपने बात कही सीक्वेंसिंग की, मैंने पहले भी आपसे एक सवाल किया था और आज दोबारा दोहराता हूँ, किस कानून में सीक्वेंसिंग लिखा हुआ है? एक कानून दिखाया जाए, एक पॉलिसी दिखाया जाए। और सीक्वेंसिंग की बात है तो यही सुप्रीम कोर्ट ने 2G के केस को फास्ट ट्रैक किया कि नहीं किया? इतना अधिक देश में भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मामला था। तो द एलिमेंट ऑफ फास्ट ट्रैकिंग इन एडजुडिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। और अगर अफजल गुरु ने यह किया है देश के ऊपर हमले का, तो बहुत गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। और हमारा बिल्कुल प्रामाणिकता से मानना है कि यह सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक ऐसा नहीं कर रही है। जहां तक भुल्लर का सवाल है, हमने पहले भी कहा था, बार भी कहा था, आतंकवाद की घटना में संलिप्त है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।